बहुत ही सिंपल म्यूजिक धुन है, कोई भी बिगनर्स बजा सकेगा। जो अभी अभी हारमोनियम जिसने बजाना सीखा है, आसानी से इस म्यूजिक धुन को बजा सकते हैं और ये कई जगह काम आने वाली धुन है। ऐसी धुन है कि गानों के बीच में आप इसको आसानी से बजा सकते हैं, एक नहीं हजारों गानों के बीच में। बहुत ही सिंपल है ये, पहली काली से मैंने बजाया है। तो सा रे गा मा पा धा नी सा रे, रे तक लिया था, सब तक के रे तक। और बजाए कैसे, दो दो फ्रेज बजाए हैं सिर्फ। पहला फ्रेज है सा रे गा, गा से ग म प ध प ध प म प म ग रे सा, ग म प ध प ध प म प म ग रे सा। ताल कहरवा में चार चार मात्राओं के साथ में, जैसे ग म प ध 1 2 3 4, प ध प म 1 2 3 4, चार चार आठ मात्राएं हो गई। ग म प ध प म ग म प ध प ध प म प म ग रे सा प म ग रे 1 2 3 4। और शा के ऊपर चार मात्राएं लेनी है कुल। तो ये आपका पहला फ्रेज हो गया ग म प ध प ध प म प म ग रे सा 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। पहला फ्रेज ये हो गया, दो बार इसको बजाएं। दूसरा फ्रेज है प द नी स रे स नी स, प द नी स रे स नी स, रे स नी ध प, प द नी स 1 2 3 4, प द नी स रे स नी स, और रे स नी स 1 2 3 4। चार चार आठ मात्राएं हो गई। उसके बाद में प द नी स रे स नी स, रे स नी ध प, रे स नी ध 1 2 3 4, रे स नी ध प। प के ऊपर चार मात्राएं पूरी। तो दूसरा फ्रेज क्या होगा, प द नी स रे स नी स, रे स नी ध प 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। दोनों फ्रेज जोड़ के बताता हूं। ग म प ध प ध प म प म ग रे सा, ग म प ध प ध प म प म ग रे सा, प द नी स रे स नी स, रे स नी ध प, प द नी स रे स नी स, रे स नी ध प। दो बार दूसरे फ्रेज को बजा दें और फिर पकड़ लें पहला फ्रेज ग म प ध प ध प म प म ग रे सा। ये आपकी एक म्यूजिक धुन तैयार है, आसानी से आप इसको बजाएं।